यही वो स्थान है चुलकाना धाम, जहाँ पर वीर बरवरिक ने अपना शीश दान किया था। और हमारे जीजा को ना बड़ी टेंशन हो गई है, ये जूते चप्पल कहाँ उतारे। लेकिन इस कुंड के अंदर ना पानी नहीं है, और होता क्या है ये फाउंटेन भी है इसके अंदर। साथ आए एक ही प्रसाद है, एक ही निशान है, बस इतर जो है वो दो है। सो हे गाइस, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। और फाइनली हम 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुँच चुके हैं चुलकाना धाम खाटू श्याम। हम ये अपना हेलमेट और बैग वगैरह सब उसके पास रखेंगे, प्रसाद लेंगे और उसके बाद फिर टेकेंगे मत्था, ठीक है जी। और बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर बना हुआ है ये, और जीजू इस बार मेरे साथ आए हुए हैं। तो वैसे यहाँ की कहानी बड़ी दिलचस्प है, हम यहाँ पर कैसे आ गए अलग ही है, बताऊँगा लास्ट में कि हम यहाँ तक पहुँच कैसे गए। निकले कहीं और थे और पहुँच हम यहाँ पर गए। अब हमने प्रसाद ले लिया है, बैग अपना और हेलमेट उधर रख दिया है शॉप में, और बचे हुए जूते तो जूते अंदर उतार दिए जाएंगे, वहीं पर उतारेंगे हम लोग। और काफ़ी प्यारा मंदिर बना हुआ है, अंधेरा हो चुका है यहाँ पर और भीड़ भी खास कर ज़्यादा नहीं है। और ये पेड़ देखो भाई कितना बड़ा है, और इस मंदिर की भी अब तैयारी चल रही है। चलो उस साइड से चलो, उस साइड से चलो। काफ़ी बड़ा पंडाल भी लगा रखा है, ये पूरा पंडाल के लिए है ना, जैसे कुछ यज्ञ वगैरह जो भी होता है इसमें कार्यक्रम वगैरह उसके लिए बनाया हुआ पूरा सेटिंग एरिया। अरे वाह, अब ये आगे का एंट्रेंस, पहले जब मैं आया था पिछली बार तब ये नहीं था, ये जो बीच में देख रहे हो जब मैं पिछली बार आया था तब नहीं था, यह भी बनाया है। मतलब काम चल रहा है इसका काफ़ी तेज़ी से, और काफ़ी बड़े मंदिर बनने वाला है अभी। और हमारे जीजा जी निशान उठाते हुए, मैंने नहीं उठाया निशान, जीजा जी ने उठाया है, मतलब हम दोनों का ही अलग कुछ नहीं है हमारा इसमें, ठीक है। हम एक साथ आए हैं, एक ही प्रसाद है, एक ही निशान है, बस इतर जो है वो दो है। और ये बनाया हुआ भाई, पहले नहीं था ये वाले, ये एंट्री काफ़ी प्यारी बनाई हुई है और काफ़ी साफ़ सफाई भी रखी हुई है जीजा। इस साइड आओ, इस साइड आओ, सही लग रहा। और ये देखो पार्क, बराबर में पार्क भी बनाया हुआ, तो कुछ लोग बैठे हैं खेल रहे हैं यहाँ, इधर बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं पार्क में। ये फाउंटेन भी बना दिया भाई, कुछ टाइम बाद ये चलने लगेगा, बढ़िया सही चीज़ बना दिया अभी मैंने। हमारे जीजा को ना बड़ी टेंशन हो गई है, ये जूते चप्पल कहाँ उतारे, इतना अंदर ले आया हुआ लेकिन परेशान है दीदी, जूते चप्पल उतारने हैं। कोई नहीं, आगे है जगह जूते चप्पल उतारने की भी, तो यहाँ उतार देंगे। ये रहा स्टैंड बना हुआ है इधर जूते चप्पल उतारने का, ये रहा, यहाँ पर उतारते हैं। कितना सही लग रहा है, हैं जीजा, बिल्कुल शांत। और ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन इस कुंड के अंदर ना पानी नहीं है, और होता क्या है ये फाउंटेन भी है इसके अंदर, फुहारा बना हुआ है इस वजह से। और अभी चल नहीं रही है, और सामने क्या बिल्ली बैठी है, म्याऊ कुत्ता, कुत्ता बैठा हुआ है, सही है। हमारे को ये भैया मिले हैं, भाई ने हमारी फोटो बहुत अच्छी क्लिक कर दी है। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ की भी मैं कुछ कहानी बताऊंगा। बोल हारे के सहारे की जय। ओए होए, चमकते ही अंदर नजारा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देख रहे हो भाई सुकून, असली सुकून यही है भाई श्याम जी के चरणों में। तो कराते हैं आपको दर्शन, यहीं से करा देता हूँ आपको, क्योंकि आगे अलाउड नहीं करेंगे फिर। दर्शन कर ही लिए होंगे, ये रहे खाटू श्याम जी हमारे। ये है हमारा नसीब, और
अचानक से हमारा प्लान बना था, कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, पहले बात तो यार राम जी ने हमें दर्शन बहुत प्यारे दिए, बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन दिए। जय हो खाटू नरेश की। कैसे रहे आपके दर्शन? आज तक के सबसे बेहतरीन दर्शन, बिल्कुल तसल्लीपूर्वक। तसल्लीपूर्वक नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुजारी जी ने भी बहुत अच्छे से दर्शन कराए, बिल्कुल खुले दर्शन, और वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली हमने, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है उसमें। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मैं खाटू श्याम वहाँ जाता हूँ ना रिंगस जयपुर में, तो वहाँ पर इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते जितने अच्छे दर्शन यहाँ पर हुए हैं। और यहाँ की जो कहानी है ना, वो कुछ अलग ही है। आपको जी, आपको पता है यहाँ की कहानी क्या है? यही वो स्थान है चुलकाना धाम, जहाँ पर वीर बरवरिक ने अपना शीश दान किया था, और जिसके बाद उनका नाम खाटू श्याम पड़ा। और यहाँ पर जिस इनकी एक परीक्षा ली गई थी वीर बरवरिक की, जब ये युद्ध में जा रहे थे लड़ने के लिए, तो कृष्ण जी ने भेष बदल के एक परीक्षा ली थी, तो कि आप का रूप रखे। हाँ, खाटू श्याम जी की यहाँ पर परीक्षा ली गई थी, वीर बरवरिक नाम से जाने जाते थे पहले, जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, उस टाइम पर ये युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो श्री कृष्ण जी आए अपना रूप बदल के, शायद ब्राह्मण का रूप बदल के आए, और इनको रोका और इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने बताया, मैं तो महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, आप किसकी तरफ से लड़ोगे, पांडवों की या कौरवों की तरफ से? तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी कमज़ोर होगी मैं उसकी तरफ से लड़ूँगा। तो अब कृष्ण जी ने देखा कि ये लड़ेंगे कैसे, इनके पास तो सिर्फ 3 तीर हैं। तो उन्होंने पूछा, आप 3 तीर के साथ कैसे लड़ सकते हो इतना बड़ा युद्ध? उन्होंने कहा, ये 3 तीर छोड़ो, सिर्फ एक ही तीर बहुत है, मैं एक तीर से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे, इसका मुझे कोई प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो उन्होंने, तो कृष्ण जी ने पूछा ये बात, तो उन्हें प्रमाण देने के लिए आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जिसको सिर्फ वीर बरवरिक ने एक तीर से पूरा भेद दिया गया था, और वो वृक्ष आज भी यहाँ पर स्थित है। ये वो पेड़ है जिसको, ये पीपल का पेड़ है, यही पेड़ है जिसके सारे पत्ते एक तीर से भेद दिए गए थे वीर बरवरिक जी के द्वारा, और ये आज भी अपने स्थान पर है, और ये कम से कम 5000 साल पुराना ये पेड़ है, और इसी के सामने ये मंदिर बना हुआ है खाटू श्याम जी का, और इसके सामने है ये कुंड जी, जो आपको तो पता नहीं थी यहाँ तक, ये पेड़ भी है यहाँ पर है ना। तो जीजा, हमारे जीजा को पता नहीं था कि यहाँ पर ये पेड़ है, कि यही वो स्थान है एक्चुअल में, जहाँ पर इसी पेड़ में एक ही तीर से सारे के सारे पत्ते भेद दिए गए थे। तो उसके बाद कृष्ण जी ने बोला कि अच्छा जी, इतनी शक्तिशाली हो। तो कृष्ण जी को डर लगने लगा, कहीं ये पांडवों की तरफ से कौरवों की तरफ से न लड़ने लगे, अगर कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो पांडव हार जाएंगे। इसी हार, पांडवों की हार से बचाने के लिए कृष्ण जी ने गुरु दक्षिणा में इनका शीश मांग लिया था, तो इन्होंने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया था, इसी वजह से इनका नाम शीश के दानी भी कहा जाता है। और बोल हारे के सहारे की जय। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, रात हो चुकी है, और हमें यहाँ से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे घर पहुँचने में, क्योंकि आज़ादपुर में हो सकता है ट्रैफिक भी होगा वहाँ पर। और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हैं, और दर्शन इतने अच्छे हुए, बस शब्द ही नहीं, मतलब बोल ही नहीं पा रहा मैं दर्शन के चक्कर में, क्योंकि माइंड में ना बार बार सिर्फ वो नज़ारा नज़र आ रहा है जो मैंने अभी देखा है, और जो मैंने अभी वहाँ पर दर्शन करे हैं लाइव। हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ से दर्शन करा दूँ, और मैं करा भी सकता हूँ, ये चीज़ आपको पता है। चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको यहीं से दर्शन कराता हूँ आपको लाइव। आइए आना भाई, एक सेकेंड। अच्छा भाई, बिल्कुल। तो अब आप करिए दर्शन यहाँ से। अब मैंने आपको भी दर्शन करा दिए हैं, आपकी भी कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए कि मैंने आपके दर्शन नहीं कराए। हालांकि मैंने दूर से कराए, क्योंकि अंदर से तो प्रॉपर अलाउड नहीं होता इतना, लेकिन दूर से करा सकता हूं मैं। बस ज़्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 10 मीटर की दूरी आप मेरी और आपकी, तो आप यहीं से कर लीजिए दर्शन। बोल खाटू नरेश की जय, बोल हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। सारे भक्तों ने अपने मन्नत के यहाँ पर धागे बांध रखे हैं।
और यही वो 5000 साल पुराना पीपल का पेड़ है जिसके सारे पत्ते एक ही तीर में भेद दिए थे। और ये कारनामा कोई और तो कर नहीं सकता, सिर्फ यही हमारे महाराजा हैं जो कर सकते हैं। तो परिक्रमा करने भी यहाँ की बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी परिक्रमा करूँ यहाँ की। तो जीजू के साथ साथ मैं भी परिक्रमा करने लग जाता हूँ, हालांकि मैं 3 से 4 बार यहाँ आ चुका हूँ, मैंने कभी परिक्रमा नहीं करी। अब जीजू कर रहे हैं तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी परिक्रमा करूँ। और अभी यहाँ का मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पहुँच कैसे गए और हम निकले कहाँ के लेते हैं। जी जी हंस रहे हैं, ये कैसे है? चलो साइड में चलते हैं और बताते हैं आपको यहाँ की कहानी क्या थी, हमने अभी यहाँ कैसे पहुँच गए। मामा सामने चंदा मामा भी नज़र आ चुके हैं, और ये रहे हमारे चंदा मामा। रुक जाओ चंदा मामा, रुक जाओ, ओहो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये रहा हमारे चंदा मामा। देखो थोड़ी बहुत यहाँ गए, हम यहाँ कैसे पहुँच गए ये बात हमारे जीजू भी बताएंगे कैसे कैसे पहुँचे। एक्चुअली कहानी कहाँ से शुरू करें? हाँ तो दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, हम सुबह अपनी जॉब मतलब जो भी वर्क करते हैं वर्क मतलब जॉब, हम निकले थे पोर्टर के लिए, मैं सच बताऊं के लिए, ठीक है। जीजू और मैं दोनों साथ निकले थे पोर्टर में काम करने के लिए, तो हमारे घर के पास से एक ऑर्डर बजा था, तो वो ऑर्डर हम उठाने गए लेकिन वो हमने कर दिया कैंसिल, क्योंकि जो वेट लिमिट, हाँ हैवी पार्सल था, जो वेट लिमिट होती है उससे ज़्यादा का था वो वेट, तो हमने फिर वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और उसके बाद हमारा एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम पहुँच गए लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर पहुँचने के बाद भाई 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, कोई ऑर्डर नहीं बजा, हमारा दिमाग ख़राब हो गया। तो अब दिमाग ख़राब हो गया, फिर मेरे माइंड में सडनली एकदम से आया कि मैंने बोला जीजू अगर ऑर्डर बजे, आधे घंटे में ऑर्डर बज गया तो ठीक है, वरना चलते हैं चल चुलकाना दाम खाटू श्याम। तो कहते हैं अब ये कहाँ है, इन्होंने पूछा, मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। फिर तो फिर हमने सोचा कि चले ना चले, जीजू थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार कि काम हुआ नहीं है और फिर हो जाएगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। 15 मिनट हो गए कोई ऑर्डर नहीं बजा, फिर 20-25 मिनट हो गए ऑर्डर नहीं बजा, हमने क्या करा, जीजू ने अपनी आईडी बंद कर दी, मैंने भी अपनी आईडी बंद कर दी, बोर्ड जो पोर्टर सारी आईडी जितनी चला रहे थे हमने सारी बंद कर दी। 1 मिनट बाद मैंने फिर से आईडी ओपन करी और मैंने सिर्फ एक बात बोली, ओम भूम भट स्वाहा ओम भूम भट स्वाहा खाटू साहब खाटू चुलकाना दाम का ऑर्डर बज्जा या उसके आसपास का बज्जा, आजादपुर बज्जा, रोहिणी बज्जा, लेकिन हुआ क्या, मूर्तल बज्जा, पानीपत बज्जा, चंडीगढ़ बज्जा, कहीं भी बज्जा हम पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ऑर्डर बज गया 1 मिनट बाद ही जस्ट रोहिणी का। हमने कहा चलो पिकअप करते हैं और फिर वहीं से उसे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे चुलकाना दाम। लेकिन हमने एक ऑर्डर पिकअप किया, सडनली आ गया दूसरा ऑर्डर हमारे पास और वो भी हमने पिक कर लिया, और वो दोनों सेम तरफ का था, एक कश्मीरी गेट का और एक रोहिणी तरफ का। ये कहानी थी हमारी यहाँ पर पहुँचने की, और निकले थे हम पोर्टर करने और आ गए दर्शन करने। तो कैसी लगी ये कहानी, बुलाया और हम आ गए, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करें और लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक और शेयर 100%। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय श्री श्याम, बाय बाय।